मॉर्निंग दगड़ियों, मैं हूं सुनील उपाध्याय। उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से लेके आए हूं एक नया व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज मैं और रोशन मतलब मैं जा रहा हूं नीचे देवी माँ के मंदिर में। मेरे साथ जा रहा है रोशन पंडित जी, हमारे छोटे पंडित जी। एक्चुअली क्या हुआ कि पंडित जी का टाइम नहीं था, तो मैंने कहा यार नॉर्मल वैसे पूजा पाठ कर जाते हैं, काफ़ी टाइम से गया भी नहीं था। तो अभी मैं रोशन सिंह को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। मैं कहा तू चल ले यार थोड़ा, क्योंकि पापा जी का आज ऑडिट है, तो आज काफ़ी मतलब उनको जल्दी जाना है, वो निकल रहे हैं घर वहाँ के लिए, इस वजह से थोड़ा मैं और रोशन ही जा रहे हैं। सो दोस्तों, ये है हमारी कुलदेवी का मंदिर। और मतलब यह है कि सबसे पहले हम अगर कुछ भी करें तो सबसे पहले यहीं हमारी पूजा होती है, उसके बाद हम और जगह जाते हैं, और भी मंदिर हैं, लेकिन सबसे पहले हम कुलदेवी के वही मंदिर में ही आते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला काश मंडले त्रिलोके व्याप्त ज्वाला दिव्य ज्वाला नमोस्तुते। वो जीव जीव रूपस्थम गर्म साक्षी अवगिनत यावत गर्म समाधिक्षाता तुम स्वस्ति निर्भव दीपनाथ भैरवाय नमो सर्वोपचारार्थे। जय पिठे बोलो धूप जगा देख नहीं लाल अब उनको लाल लागू। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानेति कचनो सचतुष्कौ सुभद्रिकां कांपीलवासिनीम। और जरा दीप पहले लग दिया नंदाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पहले कौन थी ना तुम उनको। दोस्तों अब हम देवी माँ के मंदिर के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं, और ये भी हमारा नीचे एक मंदिर है, ये गोयल देवता का मंदिर है। और राकेश मतलब यहीं रहता है, और इसने हाँ अपने लिए कुटिया बना के हम बाबा हैं, सन्यासी हैं, छोटी सी ये जा रहा नैनीताल। एक्चुअली इसको कल रात उसके कॉल आया, तो अभी नैनीताल के लिए तैयारी कर रहा है। आज भैया भीमताल घूमिया विचार, और किला में मन्नु महारानी बोलिए यार मोमोज। मन्नू महारानी मोमोज लिए, और इनके साथ हैं एवीआर बाइकर, मतलब जो इनके साथ हैं उनका भी आजकल ब्लॉगिंग का नया नया क्रेज चढ़ा हुआ है। पंकज नाम है उनका, पंकज मनराल है क्या है, सुनराल, पंकज सुनराल। तो उनको भी ब्लॉगिंग का क्रेज चढ़ा हुआ है, ठीक ठाक अच्छे ब्लॉगिंग करते हैं अभी। तो आप उसको भी मैं उसका लिंक दे दूंगा और लोगो दे दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब उसका भी कर देना, ठीक है। एक हमारे राकेश भाई का भी है, इनका किस नाम से है, उत्तराखंड सोशल वर्कर। तो उसमें सिंगिंग भी दिखेगी आपको, छोटी छोटी कई नॉर्मल ब्लॉग भी दिखेंगे, बाकी काफ़ी बेहतर सिंगर हैं हमारे राकेश भाई। पहाड़ में खासतौर पर नरेंद्र सिंह नेगी को तो ये अपना गुरु मानते हैं, मिले नहीं है लेकिन बहुत ही उच्च कोटि के ये भी सिंगर बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। मुझे लगता है वो एक नया गाना इनका रिलीज होगा बहुत जल्द कि, और जिसको म्यूजिक देंगे हमारे केशिता के लड़के गोलू गिरीश जी, और क्या कनियर में थी ना ना वो यही बात करनी फोन में, गुन्नू है। गुन्नू को देखोगे तो वो करीबन 82 किलो गुन्नू सा वजन देख लो, तो वो तो इस गाने को करेंगे। और बाकी इस गाने का जो लिरिक्स मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा आपको गाना सुना देता हूँ कि कमलेशा नामा पैडगो मम्मी। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी मंदिर से, और अब कर लेता हूँ थोड़ा ब्रेकफास्ट। आज है ये है मेरा ब्रेकफास्ट, आज दूध, उसके बाद गधुआ टुक हरी सब्जी और रायता, ये है मूली का रायता आज। और ये हमारी धनुली दीदी। और एक चीज़ और, आजकल अब वैसे आम का सीज़न तो लगभग ख़त्म हो गया है, लेकिन अब हमारे इधर अभी पकड़ते हैं आम, तो कई लोग अभी आम बेचने भी आए थे, मैं वहाँ पर दिखा नहीं पाया क्योंकि यार थोड़ा नीचे मतलब आए थे, वो यहीं के हैं मतलब लोकल की, और 1 क्विंटल आम अभी उन्होंने बेचे हैं यहाँ पर
बट आम बहुत बढ़िया है, उनका भी दशहरी आम है, बहुत बहुत ही ज़्यादा मीठा था। मैंने एक पीस वहाँ खाया भी था, वो दिखा इसलिए नहीं पाया क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। ओहो खतरनाक है। सो दोस्तों मैं गया था मार्केट में, तो ऐसे घूमते घामते, और उसके बाद मेरे को मम्मी और ताई इधर आए थे, मैंने कहा चलो मैं भी घूम आता हूँ नीचे तक। हमने यहाँ पहले मैंने कई वीडियो बनाई है यहाँ पर, एक बार लकड़ी हमने पेड़ काटा था, एक बार अभी मैं लकड़ी ले गया था, मैंने कहा आज ऐसे ही आ जाते हैं। यहाँ भी रागी हो रहा है, अभी तक सुबह नहीं आया, मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था। ये देखो फिंगर मैलेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऐसे कुछ ये ऐसे इसके है ना, ये जो ये हैं हाथ के आकार के इस टाइप में। तो अब ज़रा दाड़िम खाते हैं, आज हम खाते हैं पहाड़ी फल दाड़िम, उसका स्वाद लेते हैं ज़रा। यहाँ पर होरखे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब होते हैं काफ़ी ज़्यादा, हो तो रखे हैं नहीं रखे हैं वो बाद में पता चलेगा। माता जी यहाँ पर घास वास काट रही है, ये लकड़ियाँ हैं अभी, अभी ये भी ले जानी है, अभी सूखी नहीं है कि अल्लाह बारिश हो गई थी इस वजह से अभी ये सूखी नहीं है। ये है दाड़िम, एक ये लगे हैं और ये लगे हैं, वहाँ पर भी हो रहे हैं अनार का छोटा भाई। ओहो खट्टा हो रहा है लेकिन ये पकने लग गया अब। ये खाने का तरीका ओहो खतरनाक वाला खट्टा हो रहा है, तो लेकिन विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है। दिन में चाहे एक आप एक आंवला खाइए लेकिन खट्टा ज़रूर खाएं। गाइज अब हम जा रहे हैं घर देखने, और हमारे साथ आज यहाँ के ठेकेदार साहब हैं जो इस बिल्डिंग को बना रहे हैं। ये दिल्ली से स्पेशल आए हैं अपना ठेका देखने कि यहाँ पर जो किशोर जी को सौंपा है इन्होंने जो काम वो पूरा हुआ नहीं है, तो ठीक है आज ये बिल्डिंग ठीक बन रही है बढ़िया बिल्कुल, मतलब कोई कमरा ऐसा तो नहीं है कि कहीं थोड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं चल रहा है। चौखट जो आपने चौखट ये साल की लगाई है ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये तकरीबन 4,500-15,000 की चौखटें आई हैं यहाँ, और इन्होंने दिल्ली से स्पेशल भेजी थी पल्लू मिस्त्री के हाथ से। देख लो इनसे बात कर लीजिए आप मिस्त्री जी से कि कोई है कुछ उन्हें से तो बता दो। मैटेरियल अच्छा लग रहा है, मैटेरियल है ठीक ठाक ठीक है बढ़िया। लटी माथुम मतलब इतना जिन जाऊँ मात इतनी लटी माथुम मनोल ये किचन पुर संसा जमी वाली चढ़े में। सो ये है इसका मेन गेट दोस्तों, और काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर गाने चल रहे हैं। ये है किचन का पोर्शन, अभी किचन तैयार हो रहा है। ये है पूरा कमरा जो स्लिप इन्होंने डाली थी एक इस एरिया में और इस एरिया में, यहाँ स्लिप डली हुई है। तो हमारे साहब साहब सर अंदर आइए सर, जरा देखो यार के कमी भी हर चीज़ थी इधी शणा यार इधी फोटो इधी तुम्हें फोटो आने तेरी फोटो आई यहाँ पर, और मंदिर मैंने यहाँ रखा है साहब मंदिर यहाँ पर ठीक चाहिए थी मंदिर हैं। तो ये बन रहा है और आज एक ही मिस्त्री आए हैं यहाँ पर, एक ही काम कर रहे हैं, और यहाँ एक नाग मिलता है और यहाँ पर करीबन 600 साल पुरानी एक करची मिली है, पहले जमाने में लोग इसी से निकालते थे, इसी से खाना खाते थे इतना बड़ा मुंह होता था ये अकबर के टाइम से और यहाँ पर एक इनको खजाना मिला है, यहाँ पर कई सौ साल पुराना पाइप है, पहले से लोग इसी से पानी पीते थे, ऐसे लगा देते नल पर और मुंह के अंदर। पुरुषोत्तम के प्लॉट में यहाँ पर आज पुरुषोत्तम जी के हम प्लॉट में आए हैं, भगत के पुराने गाने लगते हैं यहाँ पे। ओहो ओ कंजू वो कर देखो जरा, अरे नाथम कॉलेज चल रहा था कहाँ डाली अल तू क्या चल रही है पहले बता, पहले क्या कम से तू पहले बता बता मुनाक अपनी मुनाक तो अपना मुनौत अली है।
अरे यार नाथुन पोलित लटा दे यार नाथुन पोलित तू कहाँ डाली है तू कहाँ डाली है इतना 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 दोस्तों जो ये टाइम है मतलब अभी ये सीजन चल रहा है अगस्त लास्ट है और मतलब अगस्त लास्ट नहीं अगस्त मिड चल रहा है और सितंबर अक्टूबर मतलब ये जो सीज़न चलता है अभी अभी आपको हर जगह बेल ही बेल दिखेंगे हर जगह सब्जियां ज़बरदस्त तरीके से सब्जियां हो रही हैं अब ककड़ियां लग रही हैं खीरे वो क्या कहते हैं लौकी है जित करेले की लगने स्टार्ट हो गए हैं आजकल तो ये पूरा सीज़न मतलब चारों तरफ हरा भरा रहता है पूरी भरी भरी सार कहते हैं जिसको भरी भरी सार रहती है और मतलब ये रहता है कि यार कहीं जा नहीं सकते तुम्हें खेत नहीं दिखेगा नीचे और जहाँ देखो तुम्हें ये दिखेंगे ये देख रहे हो इसने कहाँ से कहाँ भरी हुई अपनी सिलांग तो हर जगह ये दिखते हैं आजकल ये जो टाइम चलता है और इस सीज़न में सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे तब आता है कि यहाँ मतलब खीरे खाने में बहुत लाजवाब बहुत लोगों का याद होगा मैंने परसों एक वीडियो डाली थी इससे पहले वाली शायद वो वाली वीडियो जो डाली थी उसमें खीरे खा रहा था मैं तो आजकल खीरे जम के हो रहे हैं आओ खाओ लेकिन कोई बोलने ये मत बोलना हमारे लिए भेज दो वरना गाय होल जम भले जमा जम कब दोस्तों रोशन सिंह हमारे पंडित जी इनका इन्होंने ला रही लैपटॉप पर गेम खेलने पे और देखना मतलब क्योंकि क्या गेम खेल यह रहा हूँ तेजल ने तेजल कर लिया तेरा खर पर ला रहा हूँ आनी चढ़ो स्पीड बदल जा फिर हो गया बड़ा स्पीड बढ़ाई में 1457 मजे आए हैं इसके आए देख रहे स्कूल नहीं खुला इसका अभी तक और ये कमर जी से तू घर ये साल हो गए लगभग है 5-6 महीने गई की घर पे इसको 5 या 6 महीने हो गए घर पे और ऐसी है लैपटॉप दिन भर या पकड़ लियो और के काम में सा और ऋषिकेश में होने लगती हो देखो वो गंगा जी में वो डुबकी मारना जी धोपरी में स्कूल पढ़ने बाद हॉस्टल में रहता नहीं और भाई ये जो आधा मजर सी होती घुन फोड़ सी बीच में एक बार साइकिल जमड़ यहाँ ऊपर लगी थी इसके पैर पे और 18-13 टाँके आए थे उस पर और फिर चैन थोड़ने सी वो बाद में दौड़ते दौड़ते फिर साइकिल ले पे इसीलिए खुटे के कंदन धर में लिखो है अपन हॉस्पिटल एम्स ये मेरा पैर है मैं जा रहा हूँ वहाँ नहाने तब तक हम ठीक करो खुटे के कंदन धरो डॉक्टर को यार पैर कहाँ है तुम्हारा इसको यहाँ है कंधे पे लो इसको रख लो जब तक तुम मैं नहा के आता हूँ श्रीमती जी आज अपन मैत चली गए घर में देखा ओ घर में देखा मेरे यार के दारू खुलिए गे जी कदी श्रीमती जी अरे यार नाखून पोली लगा दे यार अच्छा अरे लगा दे मेरे ना लाल वाला नाखून लगा मैं तो कमर टूट गई तो क्या पढ़ने से पहले दिखा कितने पहले मी नकीले दोनी दोनी लल्ला लत पापा धुना दे ना गया हो दे बे भी थोड़ी देर पहले हमें इंस्टाग्राम पे रील डाली है और आप लोग उसको देख लेना मैं लिंक का इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं बाकी मैं उसको रील को भी इस पर लगाऊंगा वीडियो पे और दीदी कह रही थी कि पीछे दीदी बैठी है वो कह रही थी कि तुम मैं क्या लगाऊंगा तुम सची मुझे शराबे पे हंसा तो पहले 4-5 गाय हमको पड़ी उसके बाद एटली हमें 4-5 गाली तो पड़ी हुई हैं पर बाद में जब उन्हें पता चला कि ये क्या है उसके बाद उनको यकीन आया कि हाँ लाल पानी बना के हमने वो वीडियो को शूट किया और थोड़ा एक काफ़ी टाइम लगा हमको स्टोरी वो बनाने में मतलब कि क्या क्या चाहिए फिर हम लाल पानी बनाया उसके बाद हम उसको बुलाए जो हॉक था वो पीने वाला तम्बाकू पीने वाला वो कहीं और पता नहीं कहाँ था फिर उसको ढूंढा उसके बाद हमने पूरी स्टोरी बनाई तो आपको कैसे लगी वो बताना उन्हें कहा सुना यार कुछ नया चेंज करें इस तरह की नॉर्मल में रील डालता रहता हूँ उत्तराखंड की भी काफ़ी सारी रील्स मेरी आती रहती हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर मेरा पेज है उस पर भी फॉलो कर सकते हैं रील के बारे में बताना कैसे लगी आप लोगों को क्योंकि नया गाना आया है श्रीमती जी आज अपना मैच चलेगी तो मैंने सोचा कि यार कुछ करें आज इसमें कुछ फनी सा फ्री थे मतलब सारा काम हो गया था मैंने कहा चलो फ्री थे बैठे हुए थे तो मैंने कहा चलो कुछ ऐसा कुछ करें आज तो ज़रूर बताइएगा आप ठीक है तो दोस्तों मेरी दाल बन चुकी है और भात भी चढ़ाया हुआ है मैंने अभी लगभग दाल तो बिल्कुल बन गई है और भात क्या बोल रहा हूँ मैं भात के तो कुकर में भी नीचे से गैस जलाई मैंने अब भैया कैसे है दिमाग खराब हो गए भात भी चढ़ा दिया दाल लगभग बन गई है और आज मेरा ही काम है लंच बनाने का वैसे हफ्ते में 2 या 3 बार बनाता हूँ मैं ये कन्फर्म है कि हफ्ते में 2 या 3 बार मैं ही बनाता हूँ बाकी चाय पूरे दिन मैं ही बनाता हूँ शाम को जब पापा आते उसके बाद उस टाइम पे
चाय मम्मी बनाती है, बाकी पूरे दिन मैं ही बनाता हूँ चाय आजकल। एक सुबह की चाय वो मम्मी बनाती है 6 बजे वाली, यानी जब मैं उठता हूँ पहली चाय वो वाली चाय भी नहीं बनाता मैं, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाती है। तो दाल मेरी फटिक रही है यहाँ पर, और उसके बाद कुकर चावल। वैसे पतंजलि वालों ने बहुत अच्छी कॉपी की है इस बिस्किट की, पार्ले जी वालों की। सेम टेस्ट है, बिल्कुल सेम टेस्ट। पतंजलि है कि पतंजलि, पतंजलि ने पार्ले जी की बहुत अच्छी कॉपी की है इस बिस्किट के मामले में, बड़ी ज़बरदस्त। हेलो साउथ इंडियन का गुंडा दे, इन रास्कला बिस्किट खाएगी। सो गाइस अभी मैं आया हूँ यहाँ पर, माता जी का ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा था, डॉक्टर साहब के यहाँ पे आया हूँ, और मम्मी का ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है, इस वजह से थोड़ा नपवाना था। सो गाइस अभी हम ऐसे रोड पे घूमने वगैरह आए थे, और यहाँ पर मिला हमें घोड़ा, ले चलो। तो हम लोग अभी आए हैं नीचे, मैं और मंगारी जी ऐसे ही नीचे रोड पे घूमने, और ब्लॉग एंड करने आया हूँ मैं, क्योंकि यार थोड़ा बारिश हो गई थी, उसके बाद मैं घर पे रह गया। अगर चलो चाय बनने के बाद फिर थोड़ा बारिश हो गई थी, तो अभी पीछे गाड़ी वगैरह खड़ी है, वो अपनी वहाँ पर कुछ मस्ती वगैरह कर रहे हैं। घोड़े भी हैं, घोड़े के बारे में भाई ये सबसे एक्सपर्ट थे हमारे यहाँ घोड़े के, इनके भाई और ये पहले इनका घोड़ा था एक टाइम पर चेतक। और घोड़ा क्या था मतलब, अगर मैंने इनको बोला कि घोड़े की आगे वाली एक टांग उठानी है तो वो एक ही टांग ही उठाया गया, इतना ट्रेंड इन्होंने घोड़ा अपना किया था ज़बरदस्त तरीके से। एक बार हमारी इनकी रनिंग भी हुई थी, कधर जी तुम्हारे दौड़ यार, मान ला मना मैनल जब तुम लोग आ रहा था गए गाड़ी के सामने रन की, अब घोड़े को दौड़ाया था तो घोड़ा फास्ट आया था, तो मतलब वो गाड़ी वाला मान गया था दिल्ली साइड का था कि यार भाई तुमने क्या ट्रेन करके घोड़े ऐसे जितनी तेज़ तुम भगा रहे हो पहाड़ों में, तो ऐसा है सीन। और घोड़े के मामले में भाई इनको पता है कि क्या है कि ये हमारे बंगाली जी, आप तो दिल्ली चले गए यूनिवर्सिटी में हैं, यूनिवर्सिटी में मतलब वो है तुम ठगदार ठगदार। शाम का वक्त है और हमारे नोटाल जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ से है लूण है लूण पूछा से हलवाई जी लगी को मनोम खोलम। सो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही, क्योंकि मौसम खराब हो चुका है और मुझे उसके बाद जाना है, मतलब अभी हमें काम वगैरह भी करना है, क्योंकि हल्का हल्का बादल भी गरज रहे हैं और शायद रात को बारिश हो सकती है, इसलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।